नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजे और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बीते रोज देर शाम जतारा विधायक हरिशंकर खटीक की विकास यात्रा को रोककर एक ज्ञापन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपा। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नमन साहू ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि चंदेरा सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जिससे 6 हाई सेकेंडरी स्कूल लगे हुए हैं, जहां के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए लिधौरा या फिर जतारा जाना पड़ता है, इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद की मांग है कि चंदेरा में शासकीय महाविद्यालय खोला जाए। विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पीयूष साहू ने बताया कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र छात्राओं की समस्या उठाती आ रही है। चंदेरा क्षेत्र के छात्र छात्राओं की समस्या की चंदेरा में शासकीय महाविद्यालय न होने के कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर छात्राओं को सबसे अधिक परेशानी होती क्योंकि क्षेत्र में अच्छी परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं, इसके चलते अधिकांश छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित ही रह जाती हैं। इसलिए चंदेरा में शासकीय महाविद्यालय आगामी सत्र 2023-24 खोला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन करने के लिए बात होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की रहेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में अर्पित चौरसिया, ऋषि राज चौरसिया, श्रीकांत साहू, राजा वंशकार सहित विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष साहू, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जतारा विधायक हरिशंकर खटीक को एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हम लोगों ने उल्लेख किया है कि चंदेरा सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जिससे 6 हाई सेकेंडरी स्कूल लगे हुए हैं, जहाँ के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए लिधौरा या फिर जतारा जाना पड़ता है, इससे छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी का सामना यहाँ की छात्राओं को करना पड़ता है क्योंकि यहाँ परिवहन की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिससे अधिकांश छात्राएं तो उच्च शिक्षा से ही वंचित रह जाती हैं। ऐसे में विद्यार्थी परिषद के समक्ष छात्र छात्राओं ने विषय रखा है कि चंदेरा में शासकीय महाविद्यालय खोला जाए। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चंदेरा में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में मांग की है जतारा विधायक हरिशंकर खटीक से कि चंदेरा में शासकीय महाविद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र से खोला जाए। और अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंदेरा में एक प्रदर्शन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। विद्यार्थी परिषद के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार हो, विद्यार्थी परिषद हर सरकार के समक्ष अपना प्रदर्शन करती है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो हम सरकार से अगर टकराने की बात हो, चाहे जो करने की बात हो, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करने को तैयार हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।